बसमिल फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला आज की हमारी जो वीडियो का मौजू है वो ये है कि जो कैनाल पिटवारी की वैकेंसीज़ आई हैं पी के थ्रू तो कनाल पिटवारी होता क्या है सबसे पहले इसका क्या काम है इसकी तनख्वाह कितनी होगी इसका स्केल क्या है और इसकी प्रमोशन किस बेस पे होगी कितने सालों में प्रमोशन होती है इसकी इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि के, के नाल पिटवारी होता क्या है यानी उसकी क्या वर्किंग है पहले जो है वो कनाल पिटवारी वो जो है मैनुअल होते थे यानी वो रजिस्टर पे सारा अपना काम करते थे लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने वो कंप्यूटराइज़ इनको कर दिया है यानी इनकी जो है बेसिक जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर में होनी चाहिए या कंप्यूटर का इनका कोर्स वगैरह लाजमी होना चाहिए तो ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है अप्लाई कौन कौन कर सकता है लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं के कैनाल पिटवारी का काम क्या है तो सबसे पहले जो है वो नहरी पिटवारी के जो फ्राइज़ हैं वो ये है कि वो फ़ील्ड में सबसे निचले दर्जे पर यानी उसके ऊपर जो है ज़िलेदार वगैरह काम करते हैं डिप्टी कलेक्टर वग़ैरह काम करते हैं तो जो फ़ील्ड के अंदर जो काम कर रहा होता है वो नहरी पटवारी होता है ठीक है उसका काम होता है स्कीम तैयार करना ठीक है लोगों के जो है ज़मीनों की जो मालकान हैं उनकी ज़मीनें हैं उनके बारे में स्कीम तैयार करना ठीक है पानी की तकसीम वगैरह करना फिर उसका काम होता है वाराबंदी यानी कि पानी की तकसीम का जो टाइम टेबल है वो जो है पूरा तैयार करना होता है नहरी पटवारी ने यानी हम अक्सर देहातों में रहने वाले लोग सुन रहे होते हैं कि आज उसके पानी का वार है उसके पानी का वार है और उसका एक टाइम टेबल होता है तो वो जो तरतीब दी जाती है वो नहरी पटवारी करता है, है। ज़िलेदार के अंडर रह के यानी वो अपने बड़े आफ़ीसर्स के अंडर रह के उसको एक तरतीब देता है फिर उसके बाद वो आब कलेक्ट करता है नहरी पटियार पटवारी जो है वो आबैाना कलेक्ट करता है यानी जो पानी का जो हमारी फीस होती है टैक्स होता है जो हम पानी लगाते हैं अपनी ज़मीनों में उसका गवर्नमेंट एक टैक्स वसूल करती है तो सही आबियाना कहते हैं तो आबैयाना जो है वो नहरी पटवारी जो है वो कलेक्ट करता है ये बड़ी अच्छी बात कही है उसके बाद जो है वो चकबंदी तैयार करता है यानी अगर या हम एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसकी एक चकबंदी होती है उसको वो तैयार करता है ये भी अपने वो आला ऑफिसर्स के थ्रू ही तैयार करता है फिर तो उसके बाद वो काश्त को नोट करता है यानी काश्त का मतलब ये है कि किस विलेज में किस इलाके में कितनी फ़सल है कौन कौन सी फ़सलें हैं उस हिसाब से वो एक पूरा एक चार्ट तैयार करेगा और वो जो है अपने पास रिकॉर्ड रखेगा क्योंकि इसी बेस पर जो है वो हमारे मुल्क की प्रोडक्शन के बारे में हम इंफॉर्मेशन है लेते हैं ऊपरी सतह पे कि हमारे मुल्क में इस साल कौन सी फसल हुई है कितनी फसल हुई है चावल की पैदावार कितनी हुई है गंदम कितनी हुई है तो ये भी काम जो है वो नहरी पटवारी का है तो इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसकी नौ सौ इकतीस आई हैं पी के थ्रू यानी पंजाब लेवल पर पूरे पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तालीम इंटरमीडिएट है तो इसके अंदर उन्होंने जो है इंटरमीडिएट के साथ ही इस दफ़ा उन्होंने एक तीन मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह मांगा है और टाइपिंग स्पीड इन्होंने चालीस वर्ड्स यानी चालीस लफ्स जो हैं वो उन्होंने मांगे हैं एक मिनट के अंदर और एम एस ऑफिस वगैरह की इन्होंने एक्सपर्टीज़ मांगी हैं यानी उसके अंदर बंदा माहिर होना चाहिए तो ये इसकी क्वालिफिकेशन यानी इंटरमीडिएट हो और तीन महीने का डिप्लोमा हो और एम एस ऑफिस आता हो टाइपिंग स्पीड जो है वो चालीस हो एक मिनट के अंदर यानी वो चालीस अल्फाज एक मिनट के अंदर टाइप करने की सलाहियत रखता हो अब हमने जान लिया कि नहरी पटवारी क्या करता है इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक हो गया और अब हमारा क्वेश्चन है कि इसमें कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आप पी पी एस सी की वेबसाइट पर जाकर अगर आप इस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नहीं करनी आ रही तो आप कमेंट में बता दें हम आपको तरीका बता देंगे अगर फिर भी आप वो नहीं करना चाह रहे तो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर आप अपनी अप्लाई करवा सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं साथ में और आप अपनी अप्लाई करवा सकते हैं उसके बाद जो है आपको छः सौ रुपये का बैंक चलाना होगा उसका आप नंबर इंटर करवाने के बाद आपकी अप्लाई इसमें हो जाती है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी इसकी तनख्वाह कितनी होगी तो इसकी तनख्वाह जो है बत्तीस से पैंतीस हज़ार तक होती है स्टार्टिंग में इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुश होती तो इसके बाद हम प्रमोशन की बात करें प्रमोशन में ये सीनियर बेस पर यानी जैसे जैसे सर्विस ज़्यादा होगी नहरी पटवारी की उस बेस पे भी तरक्की करेगा और उसकी तनख्वाह में भी इजाफा होता जाएगा तो सबसे जो अहम जो हमारा सवाल है कि हमें ने अप्लाई कर दिया सारा कुछ कर दिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है तो अब इसका टेस्ट हम कैसे क्लियर करेंगे क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है अरे सर क्या बात तो इसका जो टेस्ट जो है वो पी के थ्रू होता है वो यानी कि एक पेपर होगा हमारा सौ नंबर उसके होंगे और जो है डेढ़ घंटा हमारे पास टाइम यानी नब्बे मिनट का हमारे पास वक्त होगा इसके अंदर हमारे हाँ, पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल नॉलेज के हैं पाकिस्तान स्टडीज़ यानी मुतला पाकिस्तान के मतलक होंगे करंट अफ़ेयर्स के मतलब होंगे इस्लामिक स्टडीज़ यानी कि इस्लामिया के, के मतलब होंगे जनरल नॉलेज वगैरह जो है वो नॉन मुस्लिम अगर हमारे है दोस्त हैं तो उनके लिए होंगे उसके अलावा जियोग्राफ़ी बेसिक मैथ इंग्लिश उर्दू एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ इन में से टेस्ट आएगा तो इनकी हमने तैयारी करनी है सौ नंबर का पेपर है और डेढ़ घंटे का हमारे पास टाइम होता है तो टाइम शॉर्ट होता है जो क्वेश्चन जो हैं हमारे पास सौ होते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है यानी अगर आप सपोज़ करेंगे अगर हमारा एक सवाल गलत हो जाता है तो उसके पॉइंट टू फाइव नंबर कटते हैं यानी अगर चार क्वेश्चन हमारे गलत हो गए तो हमारा एक नंबर उसमें से हो जाएगा ठीक है तो इसके बाद जो है हमारा हमने टेस्ट दे दिया सारा कुछ अप्लाई वगैरह कर दिया हमारा टेस्ट भी क्लियर होगा उसके बाद हमारा कंप्यूटर पर टेस्ट होगा टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा वो जो मैंने पहले बताया है कि 40 वर्ड्स आपने एक मिनट के अंदर टाइप करने होंगे ठीक है तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में हावन नहीं रखते हैं तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट शुरू कर दें टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो ये एक दो तो मंथ में हो जाती है ये लंबा प्रोसीजर होता है ये टाइपिंग सबसे एंड में हमारा टेस्ट होगा तो इनशाला अगर आप अभी से मेहनत करते हैं लगन से दिल लगा कर मेहनत करते हैं तो आप इनशाला अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होगा ये बेसिक चीज़ें होती हैं सारे इस बारे में हम अपने चैनल पर भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे कि टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और पहले भी हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोडेड है जो कि बेसिक मैथ इंग्लिश वगैरह के बारे में है आप उन्हें देख सकते हैं इसके अलावा मज़ीद भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं अगर अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं इस जो एड का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो आप लाइक कर दें इसे लाइक करने से ये फ़ायदा होगा कि ये वीडियो आपके जो है मोबाइल uh, के अंदर जो है लाइव सेशन के अंदर सेव हो जाएगी और जब आपका दिल करेगा तो वहाँ आपसे जो है वीडियो सर्च कर सकते हैं और इजीली इस तक पहुँच सकते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़